देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज होगी। राजधानी रांची के दूर्वा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में शाम 4 बजे से बैठक होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम और लोक लुभावन फैसले होने की उम्मीद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव के नतीजों की घोषणा होने से ठीक एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। चुनाव के लिए दीवारों पर लगाए गए पोस्टर, होर्डिंग और पंपलेट को लेकर वोटों की गिनती पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, छात्रों को अनुशासित करने में विफल होने पर कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की भी फटकार लगाई है। भूलभुलैया 3 के टीजर की रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भूलभुलैया 3 का टीजर आज रिलीज किया जाएगा। बताया गया है कि ये एक छोटा सा टीजर होगा, जिसमें फिल्म के तीसरे भाग की दुनिया की झलक दिखाई जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज और कल आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर के 149 केंद्रों पर होगा। 4 पारियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 2 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन डीए एरियर सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज यानी शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में हड़ताल करेंगे। आज शासकीय कार्य पूरी तरह से बाधित रहेंगे। 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। महाभारत की धरती पर सियासी रण जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रचार में भी पूरी ताकत झोंक दी है। खासतौर पर हॉट सीट लाडवा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी सीट से पार्टी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को मैदान में उतारा हुआ है, जहां बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां कार्यकर्ताओं में जान फूंकी, तो वहीं अब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जोश भरेंगे। शिमला के उपनगर संजोली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब 28 सितंबर को हिंदू संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की कॉल दे चुका है। इससे पहले शिमला में विभिन्न संगठनों ने आज सद्भावना मार्च का आह्वान किया है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आगरा किले में लाइट एंड साउंड शो आज से शुरू हो सकता है। इसके लिए किले के दीवाने शाम में शो का ट्रायल शुरू हो गया है। शो के लिए आयोजन समिति बनाई जा रही है, वहीं इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच आज से सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है। मुकाबला कानपुर में खेला जाएगा, जहां दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हो सकता है। बांग्लादेश इस मैच में जीत दर्ज कर अपनी लाज को बचाना चाहेगा और सीरीज को 1-1 पर खत्म करना चाहेगा, जबकि दूसरी ओर आत्मविश्वास से भरपूर भारतीय टीम मुकाबले में जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने वाले बयान से जुड़े मानहानि मामले में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट आज दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1988 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी का केप केनेवरल से प्रक्षेपण हुआ था। आज ही के दिन 1995 में ब्रोसनिया में संघर्षरत 3 दलों के मध्य अमेरिकी मध्यस्थता में समझौता हुआ था। आज ही के दिन 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा काबुल पर अधिकार पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्ला एवं उनके भाई को सरेआम फांसी दी गई थी। आज ही के दिन 1998 में इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1998 में जर्मनी में संपन्न हुए चुनाव में गेरहार्ड श्रोएडर ने हेलमेट कोल को हराकर नए चांसलर बने थे। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।